नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोजगार के मुद्दे पर हो रहे ट्विटर अभियान की। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और बड़े बड़े दावा कर रही है कि उन्होंने 35 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है। ये अभी अभी का ट्विटर हैंडल है सीएम योगी का और लिखा सीएम ऑफिस। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश में 3 लाख करोड़ से अधिक निवेश हुआ है और 35 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। और वहीं पर योगी जी के 4 साल बेमिसाल, जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल है और जो भाजपा के लोग हैं वो योगी जी के 4 साल बेमिसाल और विद्यार्थियों के जो 4 साल गए हैं वो केवल धरना प्रदर्शन और कोर्ट के चक्कर लगाने में गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। 4 साल तक इस सरकार ने रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो 68,500 और 69,000 भर्ती भी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। दरोगा भर्ती के लिए हजारों विद्यार्थियों ने कई बार ट्विटर अभियान किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए, तब जाकर के अभी दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है। अभी ये नहीं बताया जा सकता है कि इसकी परीक्षा कब होगी और कब तक ये भर्ती पूरी होगी। वहीं पर UP SSSC की अगर बात करें तो UP SSSC के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जहां पर 2-3 साल से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। बदलाव के नाम पर, PET के नाम पर पूरा UP SSSC बंद है अघोषित तरीके से, इसीलिए विद्यार्थी आक्रोशित हैं और विद्यार्थी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माकूल जवाब दे रहे हैं। योगी जी के 4 साल बेमिसाल, इसका जवाब विद्यार्थी दे रहे हैं। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ ट्विटर हैंडल कि किसका पलड़ा भारी है, विद्यार्थियों का पलड़ा भारी है या BJP की जो IT सेल है या जो भाजपा के लोग हैं उनका पलड़ा भारी है। ये देखिए, ये ट्विटर है और ट्विटर पर 96,200 जो लोग हैं इन्होंने ट्वीट किए हैं 4 साल यूपी बेहाल। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 की भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। चकबंदी लेखपाल के बारे में कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होगा, राजस्व लेखपाल की तो बात ही भूल जाइए। और वहीं पर जिसके आवेदन आ चुके हैं, चाहे वो JEE 2016 हो, चाहे वो JEE 2018 हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम हो, चाहे वो लोअर मेंस की परीक्षा हो, विद्यार्थी को कुछ नहीं पता है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और UP SSSC का क्या होगा। UP SSSC में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपकी परीक्षा कब होगी, आपका परिणाम कब होगा, आगे की क्या योजना है। PET के नाम पर विद्यार्थियों को केवल उलझा दिया गया है, कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है। 1-2 परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित की गई है और अभी ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये परीक्षाएं कब कंप्लीट होंगी। वीडियो की अब भर्ती है 2018 के, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई, आखिरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई जा रही है, जबकि परिणाम 1.5-2 साल से ज़्यादा हो चुका है। इन विद्यार्थियों ने कई बार लाठियां खाई, कई बार धरना प्रदर्शन किया और इनकी भर्ती को भी रोक दी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसको योगी सरकार ने या उनके अधिकारियों ने नियमावली के बहाने, जांच के बहाने रोका ना हो। और इसी आक्रोश की वजह से है कि आज 96,000 विद्यार्थियों ने अभी तक ट्वीट किया है और आज शाम तक ये लाखों में ट्वीट हो जाएगा। तो योगी सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, जो नीचे ये बयानबाजी हो रही है कि योगी जी के 4 साल बेमिसाल, इसका जवाब विद्यार्थी देंगे, माकूल जवाब देंगे और जवाब दे भी रहे हैं। 4 साल यूपी बिहार, इसके बारे में जगह जगह पर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं भी दिखाता हूँ इलाहाबाद के छात्र संघ भवन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए विद्यार्थी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेखपाल वीडियो जूनियर असिस्टेंट आदि परीक्षाओं की जो तारीख विज्ञापन जारी किए जाए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थाली बजा करके। ये देखिए यहाँ पर लिखा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति जारी करो, जगह जगह पर इसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि रोजगार के सवाल पर हल्ला बोल और हमें चाहिए रोजगार, रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करें। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विभाग हैं, सरकार खुद बताती है, समाचार पत्रों में खुद आता है कि 50,000 पदों का अधियाचन तो UP SSSC ही पहुंच चुका है, 60-70,000 पदों पर भर्ती पूरी होने को है, उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और वो फंसी हुई हैं। 50,000 नए पद हैं
वो अलग है, इनके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से शिक्षक भर्ती के भी बहुत सारे जो पद खाली हैं, एलटी ग्रेड के बारे में शुरू शुरू में सूचनाएं आई थी, अब उसके बारे में भी सूचनाएं आनी बंद हो गई हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये प्रदर्शन हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ढंग से काम करे, यूपी ट्रिपल एससी से जो पुरानी भर्तियां वो जल्दी कंप्लीट हों, जल्दी नियुक्ति पत्र मिले, तो अगर आप लोगों ने ट्विटर बना लिया है तो जल्दी से ट्वीट करिए और सरकार को अपनी भाषा में जवाब दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए तो आप लोग बिल्कुल ट्वीट करिए, आज बहुत बड़ा मौका है, सबकी निगाहें ट्विटर पर हैं। और वास्तव में ये योगी सरकार की साजिश थी कि पूरी जो भर्तियां हैं उनको 4 साल तक किसी ना किसी बहाने रोका गया है, भर्तियों को लंबा खींचा गया है, चुनाव के समय सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, यही सरकार की नीति है। ऐसा लगता है कि भर्ती बोर्ड ने ही, ये शासन का ही ऐसा आदेश है, और इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक कोरोना के बाद से कोई भी परीक्षा नहीं करवाई, किसी भी भर्ती का जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ, और चयन बोर्ड की जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती का जो विज्ञापन है उसके आने में देरी हुई, और टीईटी को भी लटकाया गया, नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई। तो याद रखिएगा, आपको ट्वीट क्या करना है, हैशटैग है, ये देख लीजिए, योगी जी के 4 साल बेमिसाल, इसके विरोध में आपको लिखना है #4_साल_UP_बेहाल। ये जो मैं है डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं कॉपी कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप लोग लगातार ट्वीट करना है आज पूरा दिन, जिससे सरकार को पता चले और जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी पता चले कि छात्र जो हैं वो क्या चाहते हैं और आखिरकार जो छात्र हैं वो इतने नाराज क्यों हैं। सरकार साथी ही वो कड़ी है तो हमारी आवाज की इस आवाज को, दर्द को, वेदना को प्रदेशिक स्तर पर ले जाने का काम करते हैं, उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इलाहाबाद पुलिस प्रशासन का सहयोग पूर्ण रवैये का हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यहाँ तक पुलिस परेशान, इसके बावजूद सरकार की तानाशाही तय करती है कि पूरे रूप से तानाशाह के मूड में है, परंतु लड़ाई छात्रों से है, लड़ाई बेरोजगारों से है। ये छात्र जहाँ के लिए काम करेंगे, हम कलम के सिपाही है, हमें मजबूर न करे हथियार उठाने के लिए। जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, जहाँ बड़े से बड़ा हथियार काम नहीं कर सकता है, वहाँ छात्रों की कलम काम करती है। साथियों, ये छात्र हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के लिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 4 साल के उपलक्ष्य में, जो योगी सरकार के 4 साल हैं उसकी पोल खोलने के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हो गया आज का वीडियो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।